हेलो दोस्तों, गुड्डी गोरिल्ला चैनल में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज के सफ़र में हम आप लोग को खूबसूरत जगहों के अलावे आपको कुछ औषधीय पौधों के बारे में भी बताएंगे। ये देखिए, छोटा सा गड्ढा नुमा तालाब है, बहुत खूबसूरत दृश्य है। बट दोस्तों देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए, आप लोग को दिख रहा होगा, थोड़ा सा जूम करके दिखाते हैं आप लोग को। देखिए ये है बेर का पेड़। बेर में भी औषधीय गुण होता है दोस्तों, इसको जो है देख सकते हैं आप लोग, दिख रहा होगा आप लोगों को। इसमें है कि इसको आप पेट के लिए बहुत मुफीद चीज़ है। इसको खाइएगा, आपको पेट का बीमारी कभी नहीं होगा। देखिए बहुत ज़बरदस्त फला हुआ है, थोड़ा सा ऊंचा जगह में एक आठ तोड़ने की कोशिश करेंगे। देखिए आप लोग, थोड़ा ऊंचाई में है। चलिए आगे बढ़ते हैं ऊपर की ओर। पूरा सुनसान एरिया है। देखिए पका हुआ बेर उठाएंगे हम लोग, बहुत सारे हैं, कोई नहीं आता है खाने, जंगली क्षेत्र है। देखिए ये खूबसूरत नज़ारा है, बहुत जबरदस्त। नीचे को जाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। एक और चीज़ दिख गया, देखिए ये है ये पत्ता जो देख रहे हैं, इसको स्थानीय भाषा में सिंधवायर बोला जाता है, वैज्ञानिक भाषा में क्या बोलते हैं नहीं मालूम है। लेकिन अगर कहीं चोट उट लग जाए, पैर में मोच वोच आ जाए, तो आप लोग इसको हल्दी में पीस के मिला के लगाइए, दर्द जो है एकदम आराम हो जाएगा। बहुत अच्छा असर। नीचे उतरेंगे हम लोग। ये जो है एक छोटी सी नदी है, उसके बीच में नीचे की ओर हम लोग आ गए हैं। देखिए बहुत खूबसूरत नज़ारा है, एक पेड़ का जो है फूल जैसा बना हुआ देख सकते हैं आप लोग। देखिए पानी थोड़ा कम है, लेकिन आपको दिखाते हुए ले जाएंगे हम। खूबसूरत नज़ारा है, नीचे की ओर उतरेंगे। देखिए पीपल का जो जड़ है, देखिए कितना ऊपर से आया है और पूरा पहाड़ को चीरते हुए अपना जो है स्रोत को बढ़ाने के लिए फैल गया है। देखिए मिट्टी कटाव के कारण ये दिख रहा है, नहीं तो नहीं दिखता। आगे बढ़े हम लोग। तो ये है, ये क्या है,
रहने के लिए जगह नहीं। देखिए खूबसूरत चीज़ दिखा रहे हैं आप लोगों को, देखिए देखिए पेड़ जो है कितना ज़बरदस्त तरीक़ा से पहाड़ के ऊपर बढ़ा हुआ है। देखिए पूरा पकड़ के बैठा हुआ है, गोंथ लिया है पूरा। थैंक यू दोस्तों, आप लोग ऐसे ही वीडियो मैं लाता रहूँगा, आप लोग देखते रहिए। थैंक यू।